दोस्तों, यह कहानी है उस लड़के की जिसने अपने पिता के नाम के लिए खुद लोगों के घरों में सिलेंडर पहुंचाए। ये जीवन परिचय है उस खिलाड़ी का जिसने एक छोटे से गांव से गली क्रिकेट से आईपीएल तक का सफर तय करते हुए अपने घर को सम्मानपूर्ण जीवन देने की पर्याप्त कोशिश की। दोस्तों, एक मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी 5 गेंदों पर लगातार छक्के मारने वाले रिंकू सिंह ने यह कारनामा कर एक शानदार रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। आज इस वीडियो में हम आपको रिंकू सिंह का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। यदि आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स के इस युवा खिलाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, रिंकू सिंह का जन्म 11 अक्टूबर 1997 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे रिंकू सिंह का असली नाम रिंकू खानचंद्र जाट है। उनका जन्म 5 भाई बहनों के परिवार में हुआ था। 5 भाई बहनों में रिंकू तीसरे नंबर की संतान है। रिंकू सिंह एक बेहद ही साधारण और गरीब परिवार से आते हैं। रिंकू सिंह के पिता घरों में सिलेंडर की डिलीवरी किया करते थे। वहीं रिंकू सिंह की माता गृहिणी हैं। रिंकू सिंह का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण वातावरण में गुजरा। उनके पिता की कोई स्थायी नौकरी नहीं थी और वे एक गैस एजेंसी में सिलेंडर डिलीवरी का कार्य करते थे। गरीबी और आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण रिंकू अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। रिंकू सिंह केवल 9वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं। रिंकू को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बेहद शौक था, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण रिंकू सिंह को क्रिकेट छोड़ना पड़ा। घर की हालत सुधारने के लिए रिंकू ने नौकरी ढूंढना शुरू भी किया, लेकिन कम शिक्षित होने के कारण रिंकू को नौकरी नहीं मिली। एक जगह उन्हें एक कोचिंग सेंटर में झाड़ू और पोछा लगाने का काम मिला। उन्होंने सोचा कि ऐसा करके वह अपनी घर की हालत नहीं सुधार पाएंगे, इसीलिए वे वापस क्रिकेट की ओर आए और क्रिकेट खेलना जारी रखा। लगातार संघर्ष करते हुए रिंकू सिंह ने 16 साल की उम्र में ही उत्तर प्रदेश के लिए लिस्ट ए कैटेगरी में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। अपने क्रिकेट खेलने के सपने को जिंदा रखते हुए रिंकू सिंह ने संघर्ष करते हुए क्रिकेट खेलना जारी रखा और अपनी मेहनत के दम पर ही 5 मार्च 2014 को उत्तर प्रदेश की घरेलू टीम की ओर से घरेलू क्रिकेट में अपना पदार्पण किया। अपने पहले मुकाबले में रिंकू सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपने पहले घरेलू मैच में ही अर्धशतकीय पारी खेली। रिंकू ने इस मैच में 84 रनों की पारी खेली। घरेलू टीम के लिए खेलते हुए रिंकू को उत्तर प्रदेश अंडर 19 की टीम में भी खेलने का मौका मिला। रिंकू ने इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते जल्द ही रिंकू को प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी चयनित कर लिया गया। 5 नवंबर 2016 को रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी का अपना पहला मैच खेला। रणजी ट्रॉफी 2016 और 17 के सीजन में रिंकू सिंह ने 40 मैचों में शानदार औसत से 2875 रन बनाए। इसी दौरान रिंकू ने अपना उच्चतम स्कोर 163 रन भी बनाया। अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उमदा प्रदर्शन का रिंकू सिंह को फायदा भी मिला और अगले ही साल उन्हें आईपीएल 2017 में किंग्स 11 पंजाब की टीम में शामिल होने का मौका मिला। दोस्तों, रिंकू सिंह को पंजाब की टीम ने उनके बेस प्राइस 10 लाख रुपए में खरीद लिया था। हालांकि उन्हें उस सीजन में केवल बेंच पर दर्शक बनकर ही बैठना पड़ा और उन्हें पंजाब की ओर से एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। अगले साल रिंकू को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 80 लाख में खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर लिया। तब से वर्तमान तक रिंकू सिंह कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से ही खेलते आ रहे हैं। आईपीएल में रिंकू सिंह को एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है। हालांकि साल 2017 से 2020 तक रिंकू को प्रतिभा के अनुसार मौके आईपीएल में नहीं मिले, जबकि उन्हें पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के द्वारा ऑक्शन में खरीदा भी गया था। साल 2022 में रिंकू को पिछले सीजन के मुकाबले अधिक मौके दिए गए। इस बार रिंकू को कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा खेले गए 7 मुकाबले में टीम में शामिल किया गया था। इन मुकाबलों में रिंकू ने 148 के स्ट्राइक रेट से 174 रन बनाए हैं। साल 2023 के आईपीएल के सीजन में रिंकू सिंह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए रिंकू ने दूसरे ही मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 33 गेंदों में 46 रन बनाए, लेकिन उनका इस आईपीएल का तीसरा मैच और आईपीएल प्रेमियों के लिए यादगार बन गया है। इस मैच में रिंकू की पारी ने सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित भी कर
पकड़ लिया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने यश दयाल की गेंद पर पारी की अंतिम 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर न सिर्फ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया बल्कि अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को भी रोमांचक जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपनी इस पारी में रिंकू ने मात्र 21 गेंदों में 228 के स्ट्राइक रेट से 48 रन बना डाले। अपनी इस पारी में रिंकू ने एक चौका और 6 छक्के भी लगाए। रिंकू सिंह आईपीएल के इतिहास के मात्र 5वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए हैं। साथ ही वह आईपीएल के अंतिम ओवर में यह कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। दोस्तों, अगर आपको भी रिंकू सिंह की यह यादगार जीवन परिचय अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आईपीएल से जुड़ी ऐसी शानदार और जानदार खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया नेशन को।